हादसे के बाद दार्जिलिंग में रेल यातायात बहाल, कई घंटों तक बाधित रहा रेल मार्ग। घटनास्थल से सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस, मरम्मत का काम होने के बाद सियालदह पहुंची ट्रेन। कल दार्जिलिंग में हुए हादसे में मरे थे 8 लोग। असम के उदलगुड़ी में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागपुर के रामदास पेच इलाके में हादसा, बारिश के कारण गिरी निर्माणधीन बिल्डिंग की नींव, ढहने से पार्किंग के किनारे खड़ी कार 40 फीट नीचे गिरी। राजस्थान के बालोतरा में टला बड़ा हादसा, गाड़ी के नीचे आने से बचा शख्स, गाड़ी ड्राइविंग की सूझबूझ से बाल बाल बचा शख्स। यूपी के एटा में बेटे ने की मां की हत्या, जमीन के लिए मां की हत्या करने के बाद आरोपी फरार, खेत में दफनाया शव, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। और गुजरात के अहमदाबाद में भीषण आग का तांडव, बायोटेक इंडस्ट्रीज में लगी आग, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान का नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, करीब 6 लोगों ने की युवक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के आरा में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, मारने के बाद बदमाश हथियार लहराते फरार। बिहार के दरभंगा में 2 गुटों में हुई झड़प, नमाज के दौरान बैंड बजाने को लेकर झड़प हो गई। यूपी के मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच मारपीट, सुरक्षा कर्मियों ने भागकर बचाई जान। दिल्ली में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से लोगों का बुरा हाल, कई जगहों पर कई दिनों से नहीं आया पानी, लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और दिल्ली के ओखला इलाके में पानी की दिक्कत, स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही पानी की सप्लाई और लोग परेशान।